गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें कि कहाँ कहाँ से क्या वैकेंसी निकला है, क्या नहीं निकला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गूगल खोल लेते हैं। गूगल खोलने के बाद यहाँ चल जाएंगे गिरिडीह डॉट एन आई सी डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे खोलेंगे गिरिडीह डॉट एन आई सी डॉट गिरिडीह। ठीक है, अब इसका मूल साइट आ जाएगा आपके सामने। देखिए ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप सबसे पहले आ जाएंगे नोटिस पे, नोटिस पे आ जाएंगे रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट पे आ जाने के बाद यहाँ पे जानते हैं आपका होम गार्ड के लिए बहाली निकल के आया है। एक बार धनबाद का निकला, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे धनबाद वाला, और उसके साथ साथ आपका ग्रीडी का भी निकल के आया है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है। तो लिखा है एनरोलमेंट नोटिस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमांडमेंटल झारखंड होम गार्ड सिक्योरिटी। यहाँ पे होम गार्ड के लिए यहाँ दिया हुआ झारखंड का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसमें। उसमें तो धनबाद का निवासी सिर्फ लिया था। अब गिरिडीह में क्या गिरिडीह का निवासी है या और भी कोई भर सकते हैं? चलिए पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं, उसको पढ़ के सुनते हैं और देखते हैं कि सच में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे व्यू MB4 MB पे देख लेंगे। देखिए ये PDF आपको हमको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक में, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है गिरिडीह जिला के गृह रक्षक के रूप में नमन के लिए विज्ञापन। गिरिडीह जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विहित पत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित पत्र में भरकर अलग अलग जमा करेंगे। अगर एक बंदा शहरी में भर रहा है, ग्रामीण में भी भर रहा है, तो उनको अलग अलग आवेदन अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए और नीचे पढ़ते हैं कैसे अप्लाई करना है वो भी बताएंगे। पहले ऊपर से पढ़ के सुनाते हैं। इस कर्मी का जो आपका रिक्वायरमेंट है उसमें लिखा गया है नोट में, गृह रक्षा वाहिनी का स्वयं सेवी संगठन है। एक गृह रक्षा बने मैंने होम गार्ड का एक स्वयं सेवी संगठन है, उसके माध्यम से आपको ट्रेनिंग की जाएगी। उस सदस्य के अंतर्गत ही आपका होगा सारी चीज करेंगे। तो फिर आज आते पढ़ते हैं, तथा गृह रक्षक उसके स्वयं सेवी सदस्य हैं, जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य को प्रतिनिधित्व किया जाता है। मैंने आपके कर्तव्यों का जब तक आप कार्य करेंगे, कार्य में कोई अनियमितता नहीं रहेगी, लापरवाही नहीं रहेगी, इस टाइप का आपका लापरवाही नहीं बरती जाती है, तो आप उसको प्रतिनियुक्त आपको की जाएगी और प्रतिनियुक्त के अनुसार आपको सैलरी सारी चीज लिया हुआ है, उसको भी बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं और भी आगे। इसमें लिखा है उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान दे होगा। ये भत्ता भुगतान दे होगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एक टाइप का सोच लीजिए, भत्ता दे भुगतान हो गया, मतलब सोच लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है, इसमें परमानेंट का कोई आप दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हाँ कोई भी झारखंड का अगर वैकेंसी निकला है तो उसमें पुलिस लेवल में आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा, ये बात ध्यान में जरूर रखें। और ये मैट्रिक कक्ष के लिए निकला हुआ है, ठीक है, वो भी बताएंगे नीचे पढ़ के। यहाँ लिखा है आता उन्हीं उम्मीदवार को आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निवास निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हो, मैंने जान गंवाने के लिए एकदम आगे हैं होम गार्ड में। ठीक है, तो सब उसको दिया हुआ है, लेकिन ऐसा लिखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ लिखा है गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध एक निम्बत है जो घट बढ़ भी सकती है। देखिए अगर आवेदन ज्यादा हो गया, क्वालिफाई ज्यादा हो गया, तो हो सके बढ़ा दे, या आवेदन कम हो गया और ज्यादा ही हो गया तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सभी जो संगठन है वही आपका अंतिम निर्णय लेंगे। देखिए ग्रामीण में देखिए आपको दिया है गृह रक्षक के लिए डुमरी में 32 सीट है, सरिया में 97 है, तीसरी 45 है, बगोदर में 93, बेंगाबाद में 50, कीर्तन में 45, बिरनी में 26, धनवार में 58, गांडे में 62, गिरिडीह ग्रामीण में 26, कुल 533 है। जमुआ गवा देवरी प्रखंड में रिक्त शून्य है। देखिए जमुआ और गवा एवं देवरी प्रखंड में रिक्त शून्य है। शहरी गृह रक्षक के लिए गिरिडीह शहरी में देखिए 175 है। उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण शहरी वृक्ष के लिए नामांकन 50% पद महिला के लिए कर्ण किस अंगे, ये महिला के लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिला शादीशुदा हो, तलाकशुदा हो, जिसका पति डेथ कर गया हो, या ब्रज पात्र से उसका पति डेथ किया हो, या एक्सीडेंटली हो, सब उसी तरह का अगर पीड़ित महिला है तो उनको पहले सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उपलब्ध नहीं के 5%, अगर महिला इस टाइप का अगर महिला नहीं मिलती है तो 5% पद जो महिला के लिए कर्णिकित प्रतिशत में समर्पित किया जाएगा, मतलब दूसरे और रिक्त से जोड़ लिया जाएगा इसको। ठीक है, वो पद खाली नहीं रखेगा, उसको भर दिया जाएगा। शहरी गृह रक्षक के लिए 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवार के लिए होगा, योग्यता योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी शख्स से निकलेगा। देखिए शहरी से अगर यदि आपका सीट फुल नहीं होता है तो वो ग्रामीण से भी उठा के ले लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ देखिए आहर्ता क्या क्या मांगा है वो भी पढ़ते हैं। आहर्ता लिखा आवासीय, सबसे पहले आवासीय आया है। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी के को गिरिडीह जिला को के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जिस प्रखंड में भरना है, उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है, अपने आवेदन के साथ कर्मी प्रोसेसिंग सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांग इतना इतना दिनांक इतना के अनुसार आवेदक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, झारखंड का ही स्थानीय निवासी होना चाहिए। उक्त के अनुसार अंचलाधिकारी तथा उच्च स्तर पर निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवास प्रमाण की संलग्न करेंगे। मैंने सीओ या एसडीओ या डीसी लेवल का आपका आवासीय है तो चलेगा, यानी 2016 से पहले वाला, ठीक है। अब लिखा है यहाँ शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी को गिरिडीह जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। अब शहरी के लिए जब भरेंगे तो वहां का भी सामान्य निवासी और उम्र सीमा का काउंटिंग करेगा 1/1/2023 को, न्यूनतम 19 वर्ष है, अधिकतम ज्यादा 40 वर्ष, 19 से स्टार्ट है 40 तक खत्म हो लो। साक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म प्रति तिथि प्रमाण पत्र की स्वाभाविक प्रमाण, अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो दे सकते हैं, नहीं तो मैट्रिक का मार्कशीट भी आपका जन्म प्रमाण पत्र कहलाएगा। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए न्यूनतम ग्रामीण के लिए 7वीं पास होना चाहिए और शहरी के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। अपन निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण स्वाभाविक छाया प्रति संलग्न करेंगे। शारीरिक मापदंड दिया हुआ है, ग्रामीण शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान। लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर है, BC1 BC2 के लिए, और ST SC के लिए लिखा है 157 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, ठीक है, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर, सभी महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। सीना भी मांगा, पुरुष के लिए 79 76, ठीक है। शारीरिक माप में छूट के लिए कार्मिक प्रशासन सुधार पत्रांग इतना के अनुसार जाति प्रमाण पत्र जिले के अंचलाधिकारी अथवा उच्च स्तर जिला निर्गत ऑनलाइन संपन्न। देखिए अगर ओबीसी ST ST का अगर यदि आप शिक्षक लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसमें उंगलों में पढ़ते हैं क्या लिखा है। तकनीकी दक्षता सिर्फ दक्ष शरीर गृह शहरी गृह तकनीकी दक्षता माने जो परीक्षा ली जाएगी सिर्फ तो शहरी के लिए ले जाएंगे, ठीक है, शहरी अभ्यर्थी के लिए ले जाएंगे। विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत होने के लिए तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाता है, किसी संस्था से होना चाहिए और वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए AISHE से, यानी जैक से भी हो सकता है तो चलेगा। और इसका जो होगा चिकित्सा अभियंता अधियोक्ता प्रधान नर्स कंप्यूटर ऑपरेटर टंकन लाइसेंस जारी चालक रसोई मोची मिस्त्री माली प्लम्बर आदि, ये आपका सीट है। इन जानकार को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। देखिए अधिवक्ता प्राध्यापक नर्स कंप्यूटर ऑपरेटर टंकन लाइसेंस धारी, ये सब सारा चीज को आपका पोस्ट है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वाभिमान पर छाया पत्र संलग्न करेंगे। चयन प्रक्रिया देखिए लिखा है, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना जितना इतना दिनांक इतना के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। अब चयन प्रक्रिया जो है आपका वहां से आपका एक एग्जाम ली जाएगी, एग्जाम के अनुसार आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको जांच में शारीरिक दक्षता होगी, ग्रामीण विकास शारीरिक का, ठीक है। शारीरिक जांच परीक्षा में इसके अंतर्गत 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, कट कूद सम्मिलित होगा जिसमें अंक नियमित प्रदान की जाएगा। दौड़ना होगा, लंबी ऊंची कूद सारा चीज दिया है उसमें, अगर जितना लंबा दौड़ करेंगे उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा। गृह अच्छा देखिए अच्छा तथा गृह तकनीकी सारी गृह अभ्यर्थी के लिए 5 मिनट या पहले 20 अंक, 5 से अधिक 6 मिनट 10 अंक, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले आयोग माने जाएंगे। 8 मिनट या पहले अंक 20, 8 से अधिक 10 मिनट तक 10 अंक, 10 मिनट से अधिक लेने वाले आयोग माने जाएंगे। 10 मिनट से ज्यादा आ जाएगा तो ये हो जाएगा। देखिए सारे चीज दिया हुआ है, इस PDF को हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी पढ़ लेंगे। यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों दिया है। अभी हिंदी लेखन जैसे कोई पास करता है तो उसको हिंदी लेखन लिया जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं कक्षा के उत्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जाएगी। तकनीकी दक्षता में सिर्फ शहरी तकनीकी दक्षता के लिए रक्षा अभ्यर्थी के लिए शहरी के लिए सिर्फ आपको लगेगा शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी। क्वालिफाइंग होगा पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्ण 300।
इसमें आपको क्वालिफाई सिर्फ होगा, उनको जुटेगा नहीं। ठीक है, सभी जांच परीक्षा के लिए समाप्ति बाद अधिसूचना में दिए गए प्रावधान आधार मेधा सूची तैयार की जाएगी। आलोक में रिक्त वीर चयन प्रक्रिया किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच और पुलिस प्रशिक्षण होगा। उसके अनुकूल पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी को मुख्यालय झारखंड की रक्षा वाहिनी झारखंड के दौरान गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन पर अनुसार नामांकन। मेडिकल होगा आपका, जांच होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको रांची ट्रेनिंग के लिए ले जाएगा, फिर आपको एनरोल किया जाएगा। अभ्यर्थी जो राष्ट्र राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत है, जैसे गोवा स्पोर्ट्स से कोई अगर ये सब लाए हैं पुरस्कार, तब तो उनको भी नंबर दिया जाएगा अलग से। देखिए, अगर गृह शहरी गृह रक्षक के लिए सेवक का 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित की गई है कार्यालय के द्वारा। देखिए यहाँ लिखा है स्नातक का 10 अंक, स्नातक 60 मान, इंटरमीडिएट 6, मैट्रिक 4। आवेदन कैसे जमा करें उसका भी दिया गया है। अनुलग्न से डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना है। पता जिला संतुष्टा देष्टा झारखंड की रक्षा वाहिनी कार्यालय चेतादी गिरिडीह पिन कोड इतना। आवेदन निवेदन डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजने वाले उम्मीदवार लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, ग्रामीण गृह रक्षक वर्खंड शहरी या जो भी लिख रहे हैं वो तकनीकी दक्षता आवश्यक लिखें। तकनीकी दक्ष जो आप भरना चाह रहे हैं किसमें भर रहे हैं, कंप्यूटर धोबी मालिक सारा चीज का है। आवेदन स्वीकार करने की तिथि है 20 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। आवेदक पावती रसीद को जिला संदेष्टा का कार्यालय झारखंड गिराची वाणी चेता डिग्री में प्रत्येक दिवस के समय 10 बजे से 3 बजे तक का काम करेंगे, 10 से 3 बजे के बीच में ही काम होगा। जांच परीक्षा की तिथि स्थान और वेबसाइट पे, इस वेबसाइट में दी जाएगी जब जांच ली जाएगी तो, और जितना भी आपका रिजल्ट भी देगा इसी बी इसी में दिया जाएगा। ठीक है, इसका परफॉर्मा है देखिए, गिरिडीह जिला के ग्रामीण गृह रक्षक नामांकन है तो आवेदन पत्र का प्रारूप दिया है, प्रखंड डालना है जो प्रखंड से भरेंगे, आवेदक का नाम, पिता पति के नाम, लिंग, विवाहित की अविवाहित, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा लिखिएगा, जन्म तिथि लिखिएगा, दिनांक, डेट, मंथ, ईयर लिखिएगा, अभ्यर्थी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालना है, सामान्य ओबीसी जनरल राष्ट्रीय भारतीय ग्रामीण जो लिखे ग्राम पोस्ट पंचायत थाना प्रखंड जिला पिन कोड। ठीक है, वर्तमान पता भी वही कर देंगे, अगर है तो 2 कर दीजिएगा, नहीं तो फिर भर दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता जितना लास्ट आपका क्वालिफिकेशन है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन वो डाल देना है। यदि राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कृत है तो है, हाँ करिए नहीं तो नो करिए। शारीरिक माप ऊंचाई कितना है आपका सेंटीमीटर या ऑटोमेटिक आएगा, सीना कितना है वो लिखना है, शारीरिक पहचान दो चीज है, पहचान चीज जैसे ब्लैक मोल ऑन राइट हैंड है लेफ्ट हैंड वैसे लिख देना है, मोल मार्क ऑन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। घोषणा में स्थान दिनांक और आवेदक का साइन जरूर डालना है। उसके बाद देखिए जो विज्ञापन है वो आपको पावती ग्रामीण रक्षक नामांकन के लिए आवेदन पावती प्रवेश पत्र इसको भी भरना है, आवेदक 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 का सारा भरना है, यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ फोटो चिपका देना है। उसके बाद अभी प्रमाणित फोटो लिखा है, हाल का फोटो चाहिए। ठीक है, लिखा है गिरिडीह जिला के नामांकन है तो आवेदन प्रारूप, ये आपका जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे गैर तकनीकी, यहाँ पोस्ट का नाम लिख देना है, आवेदन आवेदक का नाम, पिता पति लिंग, वही सब सारा चीज लिखा है। ये शहरी के लिए है, ये शहरी वाला है, शहरी वाला का भी दोनों आप चारों इसको दोनों को भरना चाहेंगे तो चारों निकालेंगे, नहीं तो एक और दो निकालेंगे, 6 और 7 ये प्रिंट निकाल के आप हर जितना भी क्वालिफिकेशन का डालेंगे सारे का अटेस्टेड फुल सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे उसके बाद ही डालेंगे, और शुद्ध शुद्ध अक्षर में भर के ओवर राइटिंग व्हाइटनर ये सब नहीं लगाएंगे, आराम से भर के भेजना है। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आपको मिलेंगे, और इस तरह का किसी तरह का आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको हम आपको निष्पादन किया जाएगा। इस तरह का वीडियो मिलने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। और